ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി. ये स्टेटमेंट कहने के लिए हिम्मत चाहिए. ये स्टेटमेंट 5 साल सरकार चलाने के बाद मुझे नहीं लगता आज तक 70 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने दोबारा चुनाव में जाने के पहले अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया होगा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना. हम लोग दिल्ली में सबके घर जाएंगे. हमने जो 5 साल में काम किया, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, सबके मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया. मैंने ये नहीं देखा कि ये आम आदमी पार्टी वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये बीजेपी वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये कांग्रेस वाला है. स्कूल अच्छे करे उसमें बीजेपी के लोग भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी पढ़ते हैं, कांग्रेस के लोग भी पढ़ते हैं. हमने पानी अच्छा करा, घर घर पानी पहुंचाया. हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी वाली गली में पानी मत पहुंचाओ और कांग्रेस वाली गली में पानी मत पहुंचाओ. चुनाव के बाद हमने सबको अपना दिल्ली का आदमी माना और सबके लिए हमने तरक्की करी, सबके लिए विकास करा. ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്